पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और एसडीओपी शिवपुरी अजय भार्गव के मार्गदर्शन में आज यातायात पुलिस और देहात थाना पुलिस द्वारा वन स्थली स्कूल सेंट चार्ल्स स्कूल एसपीएस स्कूल सेंट बेनेडिक्स स्कूल में जाकर स्कूली बसों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत चेक किया गया। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर कार्यवाही की गई, जिसमें वन स्थली स्कूल में 4 बसों का चालानी कार्यवाही और एक गामा गाड़ी को ओवरलोडिंग में जब्त किया गया है। यही बात करें तो सेंट चार्ल्स स्कूल की 5 बसें बिना परमिट की जब्त की गई है। सेंट बेनेडिक्स स्कूल में 7 बसों पर चालानी कार्यवाही की गई। एसपीएस स्कूल के 4 बसों पर चालानी कार्यवाही की गई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कार्रवाई की जा रही है, किस पर अपेक्षित श्रीनगर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के बाद जो अभी दुर्घटना घटित हुई थी उसके बाद सभी स्कूलों में आज चेकिंग की जा रही है स्कूल की बसों का और स्कूलों में जाके की जा रही है। और अभी बनस्थली स्कूल में हम आए, इसकी बस से एक एक्सीडेंट हुआ था और टीआई से उसकी विवेचना कर रहे हैं। और तो आज भी आके पता चला कि कुछ ड्राइवरों पे अपना वर्दी में नहीं थे और एक जिनकी जो गाड़ी है 7 नंबर उसमें ओवरलोडिंग भी पाई गई है, जिसमें बच्चे एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ जो गाड़ियाँ इनकी हैं वो अधिग्रहण नहीं है, वो ऐसे ही बिना अधिग्रहण के चल रही हैं। उनको भी निर्देश दिए हैं, जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ पर एक गाड़ी जब्त कर रहे हैं। आज लगभग 4 से 5 स्कूलों में हमारी टीम गई है, जो सभी बसों को सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है 18 बिंदुओं की उसके अनुसार ही हम लोग इन पर चेक कर रहे हैं, उसके अनुसार ही कार्रवाई इन पर की जा रही है। समय समय पर मोबाइल कोड भी माननीय न्यायालय के द्वारा लगाते हैं, हम भी कई बार चेकिंग भी करते हैं, उसके बाद भी कभी छोटी बड़ी कमी नहीं मिलती है, जिसके बाद चालानी कार्रवाई इनके द्वारा हमारे द्वारा की जा रही है इन पर। देखिए विगत दोनों एक दुर्घटना हुई थी जिसमें स्कूली बस से एक मोटरसाइकिल 3 सवार मोटरसाइकिल थे जिसमें एक की मृत्यु हो गई थी, 2 घायल थे। इस दुर्घटना के बाद से कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई कि स्कूली बसों में कुछ अनियमितता हैं जिन्हें चेक करना आवश्यक है। वैसे समय समय पर हमारे ट्रैफिक प्रभारी द्वारा और थाने की पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन चूंकि अभी दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो तत्काल हम सभी बसों की दोबारा चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अनियमितताएँ उस बस में पाई गई। आज हम वनस्तरीय स्कूल की सभी बसें चेक कर रहे हैं, इसके अलावा भी अन्य स्कूलों में भी हमारी टीमें गई हैं जहां पर सभी बसों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, उनमें क्या अनियमितताएँ हैं वो चेक की जा रही है। बस ड्राइवर्स का उनको अल्कोहल का सेवन तो नहीं किए हुए हैं जब बस चला रहे हैं वो, उनका भी टेस्ट किया जा रहा है। वो ड्राइवर वर्दी पहने हुए हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, बस के पास अनुबंध पत्र है या उसके बाद परमिट है, ये सभी चीज़ दस्तावेज आज चेक किए जा रहे हैं। और आज जो कार्रवाई है वो सभी स्कूलों में एक साथ की जा रही है, समय समय पर करते रहे हैं और ऐसा आगे भी चलता रहेगा। वनस्थली विद्यावेली स्कूल में क्या पाया आपने? अभी यहाँ के स्कूल की एक बस जो है वो शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाई गई, उसको जब्त किया जा रहा है और बाकी बसेस में जो अनियमितताएं पाई गई उनका जुर्माना किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।